नफरत भुला दूं? अगर मेरा बस चले तो एक एक हिंदुस्तानी को गोली से उड़ा दूं। हम हिंदुस्तानियों की वजह से आप लोगों का वजूद है। बंटवारे के वक्त हम लोगों ने आप लोगों को पैसे। फाइनली दोस्तों 9 जून को गदर एक प्रेम कथा को दोबारा रिलीज कर दिया गया था और आज इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार तरीके से 6 दिन कंप्लीट कर लिया है और 22 साल पुरानी फिल्म होने के बावजूद क्या अमेजिंग ग्रोथ के साथ कमाई कर रही है मान गए। जी दोस्तों, जिस तरह से 2001 में इस मूवी ने भर भर कर कमाई करी थी, उस समय जो सेम ट्रेंड चलाया था वो आज भी सेम देखने को मिल रहा है। तो आज जानेंगे कि मूवी अभी तक कितनी कमाई कर चुकी है, पब्लिक की तरफ से कैसे रिव्यू और रिएक्शन मिल रहे हैं, उस जमाने में कितना कमाया था इस फिल्म ने, क्या लोग वाकई में इस फिल्म को दोबारा देखना पसंद कर रहे हैं, सब जानेंगे उस कुछ देर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना अगर आप भी इस धमाकेदार फिल्म के जबरदस्त फैन हैं और सनी देओल के डाई हार्ड फैन हैं। तब देखने से पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, गदर की क्वालिटी को एनहेंस करके इसके 4K क्वालिटी में रिलीज करा गया है, जो कि एक पॉजिटिव फेस साबित हो रहा है मूवी के लिए, जिससे लोग दोबारा से इस जबरदस्त मासी फुल ऑफ एक्शन सिनेमा को देखना जा रहे हैं। दोस्तों 2001 में जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, तब शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने इस फिल्म को ना देखा हो। बच्चा बच्चा सनी देओल का कम तारा सिंह का ज्यादा फैन था और वो हैंडपंप उखाड़ने वाला सीन, भाई इसे तो कोई भी कोई भुला नहीं सकता। एक ऐसी रिवोल्यूशनरी फिल्म थी बॉलीवुड सिनेमा की जिसमें मासी एक्शन की कोई कमी नहीं थी और उस जमाने में 100 करोड़ पार करने वाली ये पहली फिल्म बनी थी। एक्शन के मामले में दूर दूर तक उस जमाने में, क्या आज के इस जमाने में भी कोई इसकी टक्कर नहीं ले सकता। इस फिल्म के कैरेक्टर्स, स्क्रीन प्ले, स्टोरी राइटिंग, बीजीएम, वीएफएक्स, सॉन्ग्स और ऐसे ऐसे दमदार डायलॉग, कुल मिला के पूरी फिल्म कंटेंट ही सुपर अमेजिंग। एक छोटे से पैक में फुल जादू ही पिटा रहा है। हर दिन जबरदस्त तरीके से हाउसफुल सोच देकर इस फिल्म ने ऐसा इतिहास लिखा था उस जमाने में, जिसको आज भी हम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। दोस्तों इस फिल्म ने उस जमाने में अपने कंटेंट के दम पर 10 करोड़ से ऊपर टिकट बेचे थे। अगर आज के टाइम से इसे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो लगभग 2000 करोड़ से ऊपर का नेटवर्थ होता है। जी दोस्तों, मूवी को लगभग 18 से 19 करोड़ के बीच खर्चे में बनाया गया था और उस टाइम पर इस फिल्म ने लगभग 133 करोड़ के आसपास बिजनेस करा था, जो कि एक सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर मूवी थी। दोस्तों बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो अमेजिंग ग्रोथ करते रोज नजर आ रही है और शानदार ओपनिंग के साथ अपने पहले ही दिन लगभग 65 लाख रुपए अपने खाते में रखे थे, जो कि एक 22 साल पुरानी फिल्म के लिए ह्यूज नंबर है। वो भी ऐसे कंटेंट जिसे बच्चे बच्चे ने पहले ही देख रखा हो। वही अपने दूसरे दिन रिदम में कमाई करते हुए लगभग 75 लाख की कमाई अपने खाते में रखी थी। तीसरे दिन लगभग 81 लाख का बिग कलेक्शन किया था, चौथे दिन लगभग 28 लाख का कलेक्शन और पहले 5 दिन में ही लगभग टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 2 करोड़ 50 लाख के आसपास अपने खाते में रख चुकी थी ये फिल्म। दोस्तों आज भी थिएटर में गदर के बेहतरीन सीन्स, तालियां और सीटियां खूब बटोर रहे हैं और जो भी थिएटर से बाहर आ रहा है पुरानी यादें ताजा करके ही आ रहा है। वहीं कल यानी अपने 5वें दिन में जबरदस्त ग्रोथ करते नजर आई थी मूवी। जी हाँ दोस्तों, लगभग 26 लाख का बिग कलेक्शन अपने खाते में रखा था और इसी के साथ पहले 5 दिन का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 2 करोड़ 75 लाख से ऊपर पहुंच गया था। बात करें आज यानी डेट 6 में कैसी ग्रोथ है, यस वैसे तो सोच काफी हद तक कम हो चुके हैं, लेकिन लोग फिर भी विद फैमिली देखने जा रहे हैं मूवी को। इसी के साथ एंड ऑफ द डे लगभग 20 लाख का स्ट्रॉन्ग होल्ड करते नजर आ रही है मूवी और इसी के साथ एंड ऑफ द डे टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 2 करोड़ 95 लाख का आंकड़ा पार करते नजर आएगी अपने पहले 6 दिन में और टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अभी तक का 2001 से लेकर 136 करोड़ के आसपास होता है। दोस्तों मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी। पहले तो ये कि गदर 2 का आप लोगों को कितना बेसब्री से इंतजार है, दूसरा ये कि गदर मूवी आप लोगों ने अगर देख ली है तो आपको मूवी कैसी लगी, तीसरा ये कि गदर 2 का हाल ही में रिलीज ऑफिशियल टीजर आपको कैसा लगा। फटाफट अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ मूवी अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते अगली वीडियो में, जय हिंद।